वाह, कितना सुंदर फूल है, कहाँ से मिला तुम्हें मीना? ये तो मैं सुबह सुबह बाग से तोड़कर लाई हूँ फूलकुमारी दीदी के लिए, आज उनका जन्मदिन जो है। अरे वाह, हाँ लाना तो मैं भी चाहता था उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाकर, पर करुणा ने हम सबको कितना काम दिया था ना, सारा दिन निकल गया, पूरी शाम काम किया और यहाँ तक मुझे तो थोड़ा सुबह उठकर भी खत्म करना पड़ा। क्या तुमने होमवर्क पूरा कर लिया? नहीं मुन्नू, शाम से रात तक तो कल मैं भी लगी रही, बस थोड़ा सा बच गया था, सोचा था सुबह उठ के कर लूंगी, पर फिर सोचा कि होमवर्क करने की जगह क्यों ना दीदी के लिए फूल लेने चली जाऊं, उनको खुश जो करना है। अच्छा, अरे वो देखो फूल कुमारी दीदी आ गई। नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूल कुमारी दीदी, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं और ये फूल भी। धन्यवाद बच्चों, आपकी शुभकामनाओं और इस सुंदर फूल के लिए भी। कल तो मैंने आप सबको कितना काम दिया था, पूरा दिन लग गया होगा, फिर भी आपको मेरा जन्मदिन याद रहा, बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए कि सबने होमवर्क पूरा किया कि नहीं, हाथ उठाओ जिसने जिसने पूरा किया है। बहुत अच्छे, सबने कर लिया, पर मीना तुमने हाथ नहीं उठाया। दीदी वो मेरा बस थोड़ा सा ही काम बाकी है, आज शाम को कर लूंगी। हुआ यूं ना कि बस जरा सा ही बचा था, सोचा सुबह उठ के कर लूंगी, मगर सुबह आपके लिए फूल तोड़ने चली गई। हो अच्छा, तो ये बात है, मुझे खुश करने के लिए अपने काम से समय चुरा लिया तुमने। चलो एक कहानी सुनाती हूँ तुम्हें कुछ समझाने के लिए, सुनोगी? हाँ हाँ दीदी, हम सब सुनेंगे। बहुत बढ़िया, तो सुनो। बहुत पुरानी बात है, एक बार नारद जी अपने ईश्वर भगवान विष्णु की भक्ति में उनका नाम जपते जपते वैकुंठ यानी विष्णु भगवान के घर जा पहुँचे। आँख मूंदे मन ही मन नारद जी प्रभु के पास जाके उनसे मिलने और प्रभु के उन्हें देखकर प्रसन्न होने की कल्पना में लगे हुए थे और जपे जा रहे थे, नारायण नारायण। वैकुंठ पहुंचे और उन्होंने नारायण नारायण करते हुए जब आंखें खोली तो क्या देखा कि विष्णु भगवान तो कोई चित्र बनाने में मग्न हैं। यही नहीं, उन्होंने तो नारद जी के नारायण नारायण के स्वरों पर भी ध्यान ही नहीं दिया, उनकी उपस्थिति को अनदेखा कर दिया। और तो और वहां शिव जी ब्रह्मा जी और अन्य कई देवता कई घंटों से उनसे मिलने की प्रतीक्षा में खड़े प्रतीत हो रहे थे। नारद जी अपने आप को विष्णु का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर उनकी उपस्थिति को भगवान विष्णु के चित्र बनाने की तन्मयता ने भुला दिया, यह उन्हें बड़ा अपमानजनक लगा। वे थोड़े झल्लाए से पास खड़ी लक्ष्मी जी के पास जाकर बोले, प्रणाम माते, ये प्रभु आज किसके चित्र के निर्माण में इतने खोए हुए हैं कि उन्होंने सभी देवगणों को प्रतीक्षा की पंक्ति में लगा दिया है, यहाँ तक कि मेरे नारायण नारायण के स्वरों पर भी उनका ध्यान ही नहीं गया। लक्ष्मी जी ने भी नारद जी को प्रणाम कर सहजता से उनके प्रश्न का उत्तर दिया, देव प्रभु आज अपने सबसे बड़े भक्त का चित्र बना रहे हैं, वे उन्हें इतना प्रिय है कि आसपास कौन आ जा रहा है उन्हें सुध ही नहीं। अब तो बस नारद जी का सीना अभिमान और प्रसन्नता से फूल गया। प्रभु का सबसे बड़ा और प्रिय भक्त यानी मैं, मेरे चित्र बनाने में भगवान विष्णु इतने मग्न हैं कि सभी देवगण तक मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बढ़िया, जरा देखूं तो। ये सोचते सोचते नारद जी विष्णु भगवान के पास अपना चित्र देखने पहुंचे, पर ये क्या, चित्र में नारद जी नहीं बल्कि एक मैला कुचला अर्ध नग्न मनुष्य बना हुआ था। नारद जी को बहुत गुस्सा आया, वे बिना कुछ बोले वहां से भूलोक यानी पृथ्वी पर उस तथा कथित भगवान के सबसे बड़े भक्त को ढूंढने जा निकले। कई दिनों तक गांव-गांव भटकने के बाद आखिर में अगले दिन सुबह सुबह वही व्यक्ति नारद जी को एक जंगल की गुफा के पास दिखाई दिया। नारद जी उसे देखते ही पहचान गए, पर ये क्या,
नारायण नारायण, छी कितनी दुर्गंध है यहाँ। और ये मरे हुए जानवरों की चमड़ी साफ करता चमार, ऊपर से नीचे तक गंदगी में लथपथ, ये है प्रभु का सबसे बड़ा प्रिय भक्त। देखो तो जरा क्या भक्ति करता है ये। नारद जी तो बदबू के कारण उस चमार के पास भी नहीं जाता रहे होंगे ना? हाँ, वहाँ मरे हुए जानवरों की बदबू के कारण नारद जी बिल्कुल पास नहीं गए। वे दूर ही किसी पेड़ पर अदृश्य होकर बैठ गए और वहीं से चमार के क्रियाकलाप देखने लगे। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम ढल गई। चमार लगातार उसी तन्मयता से चमड़ा साफ करने का काम कर रहा था, जैसे भगवान उसके चित्र बनाने का काम कर रहे थे। उसने न खाना खाया, न पानी पिया, न ही एक बार भी अपने मुंह से प्रभु का नाम तक लिया, बस लगातार उस बदबू में चमड़े रगड़ रहा था। नारद जी झल्ला गए, पूरे दिन में एक बार भी प्रभु का स्मरण नहीं किया, ये कैसे सबसे बड़ा भक्त हुआ। गुस्से में भरे नारद जी वैकुंठ वापस जा पहुंचे। तब तक भगवान विष्णु ने चमार का चित्र पूर्ण कर उसे अपनी मुख्य बैठक में सजा दिया था। नारद जी ने जैसे ही वहां चमार की तस्वीर को सजे देखा, वे इतने क्रोधित हुए कि वे भगवान विष्णु से मिलने तक भी नहीं गए और सीधे माता लक्ष्मी के पास जाकर बोले, नारायण नारायण माता, ये दुर्गंध भरे वातावरण में अत्यंत घृणित दिखने वाला चमार, जो पूरे दिन में एक बार भी प्रभु का स्मरण नहीं करता, वह है सबसे प्रिय, सबसे बड़ा भक्त, और मैं जो पूरे रात दिन नारायण नारायण जपता हूँ, कुछ नहीं, बस एक साधारण भक्त, हाँ क्यों भला। लक्ष्मी जी बोली, शांत हो जाइए देव, आपको कैसे पता कि वह महंती चमार प्रभु का स्मरण नहीं करता। इस पर नारद जी तपाक से बोले, माते मैं किसी की कही सुनी नहीं, पूरे दिन उस दुर्गंध में बैठे बैठे खुद चमार की दिनचर्या देखकर आ रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोली, परंतु अभी उसकी दिनचर्या पूर्ण कहाँ हुई है। नारद जी समझ गए, वे माता को प्रणाम कर फिर से भूलोक चमार की गुफा के पास जा पहुंचे। वहां तो अंधेरा होने वाला था, शाम पड़े चमड़े की दुर्गंध और भी बढ़ गई थी। नारायण नारायण, हे प्रभु, ये चमार ही मिला आपको, अभी तक चमड़े घिसे जा रहा है, न थकता है, न विश्राम करता है, न आपका नाम लेता है, भला कितनी देर और इस दुर्गंध में देखना पड़ेगा इसे। नारद जी ने मन ही मन कहा। कुछ घंटों बाद चमार के सारे चमड़े के टुकड़े साफ हो गए। उसने उन्हें समेटा और एक गठरी में बांध लिया, फिर एक मैले से कपड़े से अपने पसीने से लथपथ शरीर को पोंछा और उस चमड़े की गठरी को प्रणाम कर विनम्र भाव से बोला, हे श्री हरि, आपकी दया से आज का पूरा दिन आपके दिए कार्य करने में लग गया, कल भी मुझे ऐसी बुद्धि और शक्ति देना कि सारा दिन मेहनत कर तेरा काम करूं। और फिर वो गठरी को सर पर रख घर की ओर चल पड़ा। नारद जी के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ चुके थे कि ये चमार प्रभु को इतना प्रिय क्यों है। नारायण नारायण, ये चमार चाहे मंदिर न जाता हो, चाहे आंखें मूंद भगवान की भक्ति में समय न देता हो, पर वह अपना कर्म, चाहे वो चमड़े के टुकड़े साफ करना ही क्यों न हो, पूरी तन्मयता से प्रभु का कार्य मानकर कर रहा है, इसीलिए भगवान उसे अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं और मुझसे भी अधिक इस चमार को प्रेम करते हैं। नारद जी ने भी उस चमार को प्रणाम किया और आश्वस्त हो नारायण नारायण करते हुए वापस अपने लोक चले गए। कुछ समझे इस कहानी से? हाँ दीदी, मैं समझ गई। हमें भगवान को खुश करने के लिए उन्हीं की बनाई परिस्थिति में अपना कर्तव्य और काम पूरा करते रहना चाहिए, उस कार्य को बोझ ना समझकर उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने से ही उसकी सच्ची भक्ति होती है, ना कि कार्य से जी चुरा भगवान की भक्ति करने से। बिल्कुल सही समझी मीना। अगर मैं भी काम को छोड़ फूल लेने जाने की बजाय अपना काम पूरा कर कर लाती तो आप मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होती, है ना दीदी, मुझे माफ करना।
कोई बात नहीं मीना, अब तुम ये बात समझ गई हो तो मुझे पता है अगली बार तुम भी अपने काम को ही प्राथमिकता दोगी। और हाँ, तुम्हारा फूल सच में बहुत खूबसूरत और खुशबू वाला है, फिर से उसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छी कहानी थी ये, धन्यवाद दीदी। आज के वर्ग में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई कहानियों और जानकारियों के साथ। चलती हूँ, जय माँ भारती। जय माँ भारती।